ऑलराइट सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेल रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि मैं गया था कार को चोरी करने के लिए और वहां पे भाई बिलास गैंग से जो है हमारा फाइट हो जाता है और उसमें मैं और लमार मिलकर के दोनों फाइट करते हैं और भाई वहां से लास्ट में जो है हमें भागना पड़ता है क्योंकि बिलास गैंग काफी ज्यादा खतरनाक था। तो अभी जो है हम वहां से निकल चुके हैं, लेट्स गो आगे देखते हैं। ऑलराइट, तो हम अभी भागते भागते पहुंच चुके हैं सिमोन के शोरूम पे। फिलहाल जिसको भी नहीं पता ये सिमोन कौन है, तो भाई ये शोरूम का बंदा है जो कि हमसे कार वगैरह चोरी वगैरह करवाता है। यही वो बंदा है जो लास्ट टाइम भाई साहब इसने कार चोरी करवाने के लिए बोला था और भाई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। हम लोग चले गए बिलास गैंग के एरिया में, वहां पे भाई हम लोग पीट करके आ गए, बिलास गैंग से मतलब फाइट करके आ गए। और भाई अभी ये दोबारा से हमें कुछ कह रहा है, लेट्स गो देखते हैं आखिर ये क्या बोलता है। तो यहाँ पे जो है सिमोन से बात हो गया है और दोबारा से हमें जो है भाई कार चोरी करने के लिए बोल रहा है और इस बार जो है वो हमें माइकल के घर से कार को चोरी करने के लिए बोल रहा है भाई। और माइकल जो है काफी ज्यादा डेंजर बंदा है। फिलहाल मैं उसे अभी तक एक भी बार नहीं मिला हूँ माइकल से, तो अभी जो है इसने मुझे माइकल की कार चुराने के लिए बोली है। फिलहाल वो एक एसयूवी है जो कि वो जो कार है एसयूवी वो माइकल के गैरेज में लगा हुआ है, तो हमें जो है वहीं से चुराना है। तो लेट्स को वहाँ से एक गाड़ी उठा लिया, लेट्स को इसी को लेकर के चलते हैं माइकल के घर पे और हमें जो है इसने बोला है तो चोरी करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इस गेम में मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा गरीब हूँ, इस वजह से सिमोन के अंदर हमें काम करना पड़ रहा है। सिमोन जो कहेगा वही हमें करना पड़ रहा है भाई, वो हमें कार वगैरह चोरी करवा रहा है जो कि हमें करना ही पड़ेगा। तो चलो अभी हम चलते हैं माइकल के घर पे और फिलहाल उस सिमोन को कॉल आ रहा है, देखते हैं क्या कहता है। तो अभी जो है सिमोन से बात हो गई और वो हमें बोल रहा है कि भाई कि वो जो एसयूवी मैं चुराने जा रहा हूँ उसको सही सलामत लेकर के आना है, उसको रास्ते में ऐसे नहीं है कि मैं ठोक ठाक के उसको तोड़ दूँ। तो भाई हमें वार्निंग दे रहा है, तो भाई का तो बात सुनना ही पड़ेगा भाई क्योंकि अभी हमारा वो मालिक है और मैं जो हूँ अभी उसके अंदर में काम कर रहा हूँ, इस वजह से उसका तो बात सुनना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं जब अमीर हो जाऊँगा तो भाई उसको सबक जरूर सिखाएंगे। भाई हमसे गलत गलत कामें करवा रहा है, चोरी वगैरह करवा रहा है भाई। और अभी जो है पहुँच चुके हैं माइकल के घर पे, तो फिलहाल आगे का गेट तो बंद है तो हमें जो है इस वाले गेट से इस तरफ आना पड़ेगा। और एक सेकेंड, हमें यहाँ पर शांति से आगे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सामने माइकल का माली इधर खड़ा है भाई और ग्रास वगैरह काट रहा है, तो इसको चुपके से चल करके सबसे पहले इसको मारना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले इसको मारते हैं आराम से भाई, इसको पता नहीं चलना चाहिए और किसी को आसपास पता नहीं चलना, शोर नहीं होना चाहिए। इसको मैंने इसको एक मुक्का बजा दिया है, अभी ये बेहोश हो चुका है, मरा नहीं है भाई, अभी बेहोश हुआ है। तो चलो अभी हम चलते हैं आराम आराम से जाएंगे उसके घर में और फिलहाल आगे के गेट से तो एंट्री नहीं लेने वाले हम क्योंकि आगे में भाई साहब माइकल वेट कर रहा होगा हमारा। भाई वो इस शहर का सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन है तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो उससे पंगा लेना मुश्किल है। तो मैं अभी आराम आराम से पीछे वाले साइड में आ चुका हूँ और हम जो है अभी पीछे वाले एरिया से जो उसके घर में घुसेंगे और लेट्स को देखते हैं कहाँ से रास्ता है जहाँ से मैं घुस सकता हूँ। तो यहाँ से आगे चलते हैं और फिलहाल यहाँ पर एक गाड़ी लगा है, इस पर चढ़ते हैं और इसके ऊपर से यहाँ पे हम क्या बोलते हैं छज्जे पे चढ़ जाएंगे और यहाँ से इसके बाथरूम में इंटर कर जाएंगे। ये बाथरूम घर का बाथरूम में हम लोग अभी इंटर हो चुके हैं और उसके घर में भाई लड़ाई वगैरह चल रहे हैं। उसका पे माइकल का बेटा जिमी और उसकी बेटी लड़की का आवाज़ आ रहा है भाई, दोनों लड़ रहे हैं। फिलहाल जो है यहाँ पे जिमी जो है बैठ करके रूम में गेम खेल रहा है और इधर में उसकी बेटी, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ भाई, क्या नाम था इसका। तो फिलहाल चलते हैं अभी चुपचाप से ये सब छोड़ते हैं और अभी हम चलते हैं सबसे पहले गैरेज में और नीचे से भी किसी का आवाज़ आ रहा है तो थोड़ा सा आराम से जाना पड़ेगा और सामने भी कोई है तो भाई मैं यहाँ से आगे जाऊँ या फिर नहीं। ओके एक काम करते हैं, इधर से घूम करके चलते हैं, पूरा घूम करके जाते हैं इधर से और घर पे माइकल ना हो भाई, बस अगर माइकल हुआ घर पे तो भाई वो हमें फोड़ डालेगा, वो बहुत ही डेंजर बंदा है। तो लेट्स गो अभी ये सामने की तरफ में, ये माइकल तो नहीं है भाई, उसकी वाइफ है और ये पता नहीं कौन है। और फिलहाल चलो इन सब को छोड़ते हैं भाई, हमें जो है यहाँ पे मेन फोकस करते हैं गाड़ी चुराने पे, हम यहाँ पे गाड़ी वगैरह चुराने हैं तो गाड़ी पे फोकस करते हैं। और ये है वो गाड़ी, वैसे एसयूवी है तो अभी हम इसको लेकर के फटाक से ऐसे भागते हैं, गैरेज जल्दी खुल जा। ओके तो यहाँ पे अभी खुल चुका है और अभी हम इसको लेकर के निकलते हैं यहाँ से फटाफट, गेट खुल जा। अबे भाई बहुत ही ज़्यादा लेट करता है ये गेट खुलने में, फिलहाल ये अभी खुल चुका है और लेट्स गो। फाइनली मैं माइकल का कार लेकर के यहाँ से निकल गया भाई बिना किसी प्रॉब्लम के और यहाँ पे कॉल करके बता देते हैं सिमोन को कि मैंने जो है कार को चुरा लिया है। लेट्स गो, मैंने यहाँ पे सिमोन को बता दिया है कि मैंने जो है माइकल का कार जो है चुरा लिया है। तो अभी हम चलते हैं सीधा उसके शोरूम पे लेकर के आने के लिए बोल रहा है इस कार को, तो लेट्स गो जल्दी से चलते हैं उसके शोरूम पे और इस कार को देते हैं। और भाई मेरे जितने पैसे हुए हैं उससे पैसे लेते हैं भाई, मैं जो हूँ अभी पैसे की बहुत ही ज़्यादा कमी है, इस वजह से हमें चोरी वगैरह करने पड़ रही है इस GTA 5 के गेम में, नहीं तो भाई मैं अमीर होता तो भाई चोरी वगैरह थोड़ी करते। अभी हमारे पास तो इस गेम में खुद का भी एक घर भी नहीं है तो हमें जो है अभी घर लेने हैं, गाड़ी वगैरह लेना है, तो इसके लिए भाई बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। तो पैसे के लिए भाई हम अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं सिमोन के अंदर। तो चलो अभी हम चलते हैं इस कार को लेकर के उस शोरूम पे पहुँचते हैं और एक सेकेंड लेट्स गो। ओके तो यहाँ पे भाई माइकल जो है कार में ही बैठा था और उसने जो है मेरे ऊपर गन तान लिया है यहाँ पे। अबे भाई ये क्या हो गया,
भाई माइकल को पता चला पहले ही से, उसको पता था कि मैं हम लोग जो है इसके कार को चोरी करने वाले हैं, इसलिए ये पहले से ही कार में आकर के बैठा था। और भाई अभी जो है इसने हम पे गन वगैरह तान लिया है, तो अभी ये जो कहेगा हमें वो करना पड़ेगा भाई। ये चुपचाप से बोल रहा है हमें जो है इसके अंदर जो है शोरूम के अंदर घुसा देना है कार, एकदम शीशा तोड़ते हुए अंदर लेकर के जाना है। लेट्स गो भाई। यहाँ पे मैंने तोड़ दिया है जैसा कि माइकल ने बोला था, मैंने वैसा ही किया, नहीं तो वो मार देता हमें भाई। और यहाँ पे सिमोन जो है भाई यहाँ पे आकर के चिल्ला रहा है कि ये क्या कर दिया हमने। ओके भाई, तो भाई सिमोन मैं नहीं कुछ कर सकता, ये सिर्फ माइकल ने बोला था। और लेट्स गो, माइकल ने हमें जो है काफी सारे पैसे दे दिए भाई। और यहाँ पे जो है हम अभी बन चुके हैं माइकल, और अभी जो है हमें इससे फाइट करना है। भाई तूने मेरी कार कैसे चोरी की? अभी हम माइकल बन चुके हैं, तो अभी भाई ये मेरा कार चोरी कर रहा था, अभी चोरी करवाएगा मेरा कार। ले भाई अभी इसको मुक्के मुक्के भजाते हैं भाई। पहले भाई साहब गलत काम करवाता है पैसों के लिए। अबे भाई सही से शोरूम चला ले, तो यहाँ पे गलत काम करवाए। अबे मुक्का तू मेरे कैसे मार रहा है, मेरे कैसे मार बजाय ऊपर से गलती करता है भाई, उसके मुंह तोड़। अभी माइकल ने इसको पकड़ लिया भाई, बहुत गंदा वाला मारा इसको। ओ भाई साहब गेट से ही इसको बजा दिया। ओके भाई माइकल बहुत ज्यादा डेंजर है, फ्रैंकली से भी ज्यादा डेंजर है ये गैंगस्टर है भाई इस गेम का। माइकल से पंगा लेने वाला था भाई, सिमोन की तो वाट लग गई। अब ये दोबारा ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा, तो अभी इसकी बजा दी है माइकल ने। ओके तो अभी माइकल ने उसको वार्निंग दे दिया है। तो चलो इसी के साथ ये मिशन भी कंप्लीट हो गया, और अभी हम माइकल से खेलने वाले हैं क्या। ओके तो अभी हमारे पास एक और कैरेक्टर आ चुका है माइकल। तो चलो बाकी आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे हम करते हैं 100 लाइक्स, तो जल्दी से कंप्लीट करवा देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आधे बंदे सब्सक्राइब नहीं करते भाई, तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।